पूर्वी किडनैप हो चुकी होती है और इधर आर्वी को कहीं ना कहीं शक होता है कि ये सब के पीछे है जसबीर। लेकिन अब इधर आता है जसबीर का कॉल मोनिशा के पास और मोनिशा को बताता है कि पूर्वी से मैं शादी कर रहा हूँ। इधर पूर्वी से जबरदस्ती शादी करने के जसबीर एकदम मतलब चौकन्ना रह जाते हैं और इधर उसको ऐसे लगता है कि अब मैं तो शादी कर लूंगा पूर्वी से, ये खबर सुनाता है। लेकिन मोनिशा अजीब तरीके से बिहेव करती है और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। लेकिन अभी तो दिखाते हैं कि जहाँ आर्वी पुलिस स्टेशन में बोलता है कि आप ढूंढिए, लेकिन इधर पुलिस को चोर ही बोलती है। लेकिन अभी तो आर्वी धमकी दे देता है पुलिस को और बोलते हैं कि जिसने भी मेरी पूर्वी को किडनैप किया अगर उसको आप ढूंढे नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। यानी कि इधर पुलिस स्टेशन में ही पुलिस को धमकी दे दिया। क्या आरवी की पुलिस धमकी सुन के उसके ऊपर करेगी खिलाफ या उसको जेल में भेजेगी? वही इधर ये भी रहते हैं कि इधर नेत्रा का जो बॉयफ्रेंड निखिल रहता है वो मरवाना चाहता है पूर्वी जसबीर। इधर जो जो मिले हुए थे वही क्या आरवी और पूर्वी की जान है खतरे में, कैसे बचाएगा आरवी अपनी पूर्वी को ये जसबीर के चंगुल से? वही क्या पता चल पाएगा आरवी को कि इन सब चीजों के पीछे है मोनिशा? वही क्या मोनिशा का राज खुल जाएगा और सबके सामने आएगा कि मोनिशा ही है असली कल्प्रेट और उसको नेत्रा की जिंदगी में यानी कि आरवी के नेत्रा की जिंदगी में लाने वाला और कोई नहीं, इधर मोनिशा थी। सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा और आगे के अपडेट्स के लिए मेरे चैनल में जुड़े रहिएगा। और दोस्तों मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया हेल्प मैजिक करके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।